हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्लॉट बॉल में स्टेट सिक्स, यानी स्लॉट बॉल जिसको फुल लेंथ डिलीवरी भी बोलते हैं, हाफ वॉली भी बोलते हैं और स्लॉट बॉल भी बोलते हैं। तो इस बॉल में आपने छक्का कैसे मारना स्ट्रेट में, पहला दिन स्ट्रेट के ऊपर बताऊँगा, फिर आगे और वीडियोज़ कवर करूँगा। तो एक एक करके सीखना आपको ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट की पार्ट्स है उसके बारे में बताऊंगा और गलतियां क्या होती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि गलतियां जानना जरूरी है। अगर गलती नहीं समझ पाएंगे तो आप शॉट नहीं मार पाएंगे। शॉर्टकट मत मारना, पूरा देखना ताकि एक एक चीज़ समझ सको क्या गलती होती है। अगर उस गलती को आपने सुधार देना बहुत बढ़िया छक्का आपसे लगेगा। दोस्तों स्लॉट बॉल में स्ट्रेट छक्का मारने के लिए सबसे पहले आप जो क्रीज आपकी है, क्रीज में खड़े हैं, क्रीज से थोड़ा सा एक कदम इतना सा आगे लेना, हल्का सा। उसके बाद आपने बैट तक यहाँ पहुँचाना, जहाँ तक आपका बैट पहुँचता है वहाँ पे एक लाइन ले लेनी है। ये आपका स्लॉटिंग जोन होता है। यहाँ तक, यहाँ से आगे जो भी आपकी बॉल स्ट्रेट में आएगी, सीधे आ रही या थोड़ा सा ऑफ साइड है, इसको भी आप स्ट्रेट मार सकते हैं। थोड़ा सा लेग साइड है, ये पैरों के बीच में, इसमें भी मार सकते हैं। हालाँकि जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, जो सीधे स्टम्प में जा रही बॉल उस पर ही ट्राई करें। अब इसमें क्या है, स्लॉट बॉल में जो भी बॉल आती है बैक लिफ्ट आपका सीधा जाएगा। देखिए बैक लिफ्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से आपका क्रॉस ही आएगा बैक लिफ्ट, तो इसलिए यहाँ नहीं ले जाना, बैक लिफ्ट हमेशा सीधा ले जाना और हल्का सा ऐसे झुकना है, कंधा नहीं झुकाना। फिर से बता रहा हूँ, कंधा झुकाओगे तो आपका ड्राइव लग जाएगा, इसलिए आपका आप ऐसे झुक जाओ वो चलेगा, लेकिन कंधा ये सीधा रहना चाहिए। उसके बाद आपने स्लॉट बॉल को पिक करना है इस तरह से, सीधा से। ये पिक करते समय आप ध्यान देना, जब बैट आपका सीधा आएगा कलाई आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, पहले भी बता रखा है। कलाई अगर मुड़ गई तो बैट ऐसा हो जाएगा, या इधर ऐसा करना नहीं। याद रखना बॉटम एंड हल्का सा टाइट रखना है और टॉप एंड बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। और जैसे आप शॉट मारते हो, जब बैट बॉल का कॉन्टैक्ट होता है उस समय बैट एकदम सीधा होगा, और सीधा होते ही सीधे आप जैसे हिट मारते हैं उस टाइम पर आपके हाथ सीधे होंगे, इस चीज़ों पर ध्यान देना। अगर आपका हाथ फोल्ड है तो नहीं लगेगा, इसलिए जो है हाथ को सीधा रखना है। जब शॉट मारोगे, मारने के बाद जब बैट बॉल का कांटेक्ट होता है बिल्कुल सीधा रहेगा बैट, उसके बाद मारने के बाद आपका भले ऐसा हो गया यहाँ चले जाए, और स्विंग पूरा फिनिश करने की कोशिश करना यहाँ तक। अक्सर क्या लोग ऐसे करते हैं, आगे छोड़ देते हैं, आगे नहीं छोड़ना है, आपका पूरा पावर लगेगा नहीं, पावर जनरेट होगा नहीं। पावर जनरेट करने के लिए पूरा इस तरह से स्विंग करना है। ये चीज़ आप स्टार्टिंग में, मैंने बताया था ना कौन से पहले दिन कैसे स्टार्ट करना है, वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस करके, क्योंकि आपने कुल लगा के आपका बैट सीधा करना है शॉट मारते समय। ये आप शैडो ड्रिल में भी करेंगे और उसके अलावा बॉल सामने रख के भी करेंगे, कोन के ऊपर बॉल रख के सीधा मारने की, सीधा आपका जा रहा नहीं जा रहा स्ट्रेट में वो आपने ट्राई करना है, इसलिए कोन से स्टार्ट करना है। उसके बाद अंडर आर्म, हमेशा ही मैं बताता हूँ अंडर आर्म जरूरी है। आप डायरेक्ट फास्ट बॉलिंग से स्टार्ट मत करिए, कोई भी शॉट आप सीख रहे हैं। यहाँ पे जोन के एरिया में जितनी भी बॉल हैं, जोन के एरिया में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, उस बॉल को आपने आगे को हिट करने की प्रैक्टिस करनी है, 50 बॉल 100 बॉल नेट में। ग्राउंड में भी जाना है, ग्राउंड के लिए ऐसा है, जब आप नेट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना, डेली नेट में ही मत करिए प्रैक्टिस, वीकली दो बार या तीन बार आप फुल ग्राउंड में जाइए, वहाँ पर भी मैच मत खेलिए। नॉर्मली आप प्रैक्टिस के तौर पर फुल यहाँ पे बॉल डाल के आप सीधे आगे हिट मारने की प्रैक्टिस करिए, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे स्लो बॉल में ही करें बट आपने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुँचाना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं बाउंड्री से बाहर छक्का मार सकता हूँ। और दूसरी चीज़ आपका ये चेक हो जाएगा कि बॉल सीधा जा रहा है नहीं जा रहा आपको मारने से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, बैट का सिलेक्शन ज़रूरी है आपके स्ट्रेट बॉल के लिए, स्ट्रेट में छक्का मारने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट का जो छक्का मारते हैं बिल्कुल ऐसे यहाँ से बैट आता है, यहाँ की बॉल में थोड़ा सा लंबा बैट चलेगा, यहाँ की बॉल अगर आपका ज़्यादा बैट लंबा हो गया तो ज़मीन में आपका बैट टच हो जाएगा, जिससे आपका शॉट पूरा आधा अधूरा लगेगा, जिसकी वजह से आपका शॉट सही नहीं जाएगा, क्योंकि ज़मीन में आधा बैट आपका टच हो गया तो आधा अधूरा टच होगा और कैच उठेगा। इसलिए अपनी हाइट के मुताबिक बैट को लें, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कौन सी हाइट के लिए कौन सा बैट सही है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो एकदम नज़दीक की बॉल है, यहाँ पर की बॉल बिल्कुल जो पैरों की बॉल है, ये यॉर्कर जोन माना जाता है। यॉर्कर, कई लोगों का कहना है कि यॉर्कर जो बिल्कुल यहाँ पे पैरों में आती है वही यॉर्कर होता है, ऐसा नहीं है। यॉर्कर जोन आपका लगभग जहाँ पे आप क्रीज में खड़े हैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया का यॉर्कर जोन माना जाता है। यहाँ पर की बॉल अगर आप स्ट्रेट उठाएंगे ना, आपका छक्का जा सकता है लेकिन फ्लैट छक्का जाएगा,
जो अगर बाउंड्री में लगा होगा, जो लॉन्ग ऑन में लॉन्ग ऑफ में लगा होगा, उसके पास कैच जा सकता है या बॉलर के पास भी कैच जा सकता है। तो उसको या तो आपने शॉट मारते समय बैट का एंगल ऐसा बनाना, ऐसे भी बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ी से आपका बैट आना चाहिए, क्योंकि एक यॉर्कर ही बॉल है वो, यहाँ पे का बॉल, और आपको एलिवेशन नहीं मिलेगा आपको आगे को मारने के लिए। यानी एलिवेशन मतलब आपको बैट का एंगल जब आप मारते ना इतना खड़ा होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेट छक्का जाएगा। अगर बैट का एंगल यहाँ तक ही पहुँचा है तो आपका छक्का आगे नहीं जाएगा, जाएगा तो फ्लैट जाएगा, जो कैच उठ सकता है। या तो आपने एलिवेशन करना होगा यहाँ पे, बिल्कुल जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मार दें, बिल्कुल जैसे इतना चटकी आपके अंदर लाना होगा कि बॉल शॉट आते ही, इसमें क्या आपको पैर आगे नहीं बढ़ाना, अगर आप पैर आगे बढ़ाएंगे तो फिर तो दबना ही दबना है शॉट। यहाँ पे इसको आपने खड़े खड़े मारना है ऐसे करके, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मार दे, बॉल आया बिल्कुल ऐसे करके बैट को, और एंगल ऐसे बनाना है बैट को। अब प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, कंटिन्यूसली इस लाइन में बॉलिंग डालनी, प्रैक्टिस का मतलब ही वही है। कई लड़के बोल रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाया था, लगातार हम एक शॉट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बोला ये तो एक ही बॉल डालते जा रहा है, एक ही बॉल डालते जा रहा है। प्रैक्टिस जब आप स्ट्रेट में छक्का मारने की कर रहे हो तो बॉल तो एक ही डालोगे ना, फिर पुल शॉट वाली बॉल थोड़ी डालोगे उसको। आपने एक शॉट के ऊपर प्रैक्टिस करते जाना है स्ट्रेट के ऊपर, तब जाके आपका टाइमिंग और सारा चीज़ सही बनेगा। और इससे आपको ये पता चलेगा आने वाले समय में जो आपका फुटवर्क है और लाइन लेंथ जजमेंट है, वो भी इस चीज़ से पता चलेगा। जो भी फुल लेंथ की डिलीवरी आ रही है उसको आपने पैर आगे निकाल के जितना पॉसिबल हो सके बॉल के पास तक आपने पैर ले जाना, बहुत नज़दीक नहीं भी जा पाएगा, बॉल के थोड़ा लाइन में पैर लेके जाना है और उसके बाद उसको आगे को हिट करना है, तब जाके आपका एकदम परफेक्ट स्टेट में छक्का लगेगा। अब हम आपको खेल के दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में बने रहना, नए नए सीरीज़ में नए नए वीडियो आएंगे जो कि आपको छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का इसमें हम सिखाएंगे, ताकि आपके शॉट एकदम परफेक्टली लग पाए। इस तरह से कंटिन्यू आपने फुल लेंथ में बॉल डाल के लगातार हिट करना है, 50 बॉल, 100 बॉल, 200 बॉल, जितना पॉसिबल हो सके अंडर आर्म करो, उसके बाद फास्ट बॉलिंग से करो, आधे पिच से करो, करते जाना है इस तरह से। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।